यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो सुना आपने, किसान कह रहा था कि कभी जमाना होता था कि हमारे पास 20-20 गेहूं की बोरियां होती थी, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि एक बोरी भी मुश्किल से होती है। सरकार को अपील की जा रही थी कि उनकी और भी ध्यान दिया जाए। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ महंगाई की मार और तीसरी तरफ ये जो बार बार गुहार लगानी पड़ती है सरकार को, अच्छा होगा कि सरकार इनकी मजबूरी को भी समझे और जो भी इनकी मांगे हैं, जितना भी इनकी सहायता हो पाए वो करनी चाहिए। तो किसानों में वाकई में शिकन है माथे पर, क्योंकि चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बादल मंडरा रहे हैं, चेतावनी जारी की गई है और सबसे बड़ा खतरा उनकी फसलों पर बना हुआ है। पांडा साहब में भी क्या कुछ हाल है, इसको लेकर के हमारे संवाददाता प्रेम वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पांडा साहब से। प्रेम, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, आम जनता का वहाँ क्या कुछ कैसे देखना है और खास करके किसानों का क्या हाल है, कैसे अब जो 48 घंटे हैं उनके आगे वाले कटने वाले हैं? जी अमनदीप, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया था उसके अनुरूप ही यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कल भी मौसम बहुत खराब हो गया था और आंधी तूफान भी चला था, इसके साथ ही आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह तेज हवा भी यहाँ पर इलाके में चली थी, जिससे जो यहाँ के क्षेत्रीय बागवान हैं उनको खासा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि आम की फसल यहाँ पर बागवानों में अच्छी होती है, तो बहुत से बागवान ऐसे हैं जिनका आज सुबह तेज हवा चलने से नुकसान पहुंचा है। और अब अभी तो बल्कि कल का एक और दिन भी यहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी भरा दिया है, तो देखना होगा कि इस 3 दिन को किसान किस तरह से झेल पाते हैं। जी बिल्कुल प्रेम, देखना होगा कि किस तरह से किसानों का ये समय निकलेगा, क्योंकि 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है और अभी पहला ही दिन है, तो एक दिन और अभी का भी, आज का भी आधा दिन बाकी है, देखना होगा कैसे उनका समय निकलेगा। प्रेम, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, आम की फसल के जो बागवान हैं उनके बारे में आपने बताया, लेकिन यहाँ पर जो किसान जिनकी गेहूँ पक कर के खड़ी है खेतों में या कटी हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी उम्मीदें कैसे हैं, कैसे वो अपनी फसल को संभाल रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पौंटा साहिब में जो मैदानी इलाका है लगभग, वहाँ तो लगभग गेहूं की फसल कट ही चुकी है, लेकिन जो पौंटा साहिब का पहाड़ी क्षेत्र है जिसके की लगभग 35 से 60 पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र में आती है, वहाँ अभी भी फसल खड़ी है और उन किसानों के लिए ये बहुत ही कठिन घड़ी है, क्योंकि इस जो तूफान से और बारिश से जो है इनकी फसल पूरी तरह से ये बर्बाद होने की कगार पर है। जी बिल्कुल, बर्बाद होने की कगार पर है, लेकिन देखना होगा कुदरत कितना कहर बरपाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम। तो ये थे पांडा साहब से हमारे संवाददाता प्रेम वर्मा, जिन्होंने पांडा साहब का हाल बताया। अब आपको सीधा लिए चलते हैं धर्मशाला, और धर्मशाला से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज धीमान। मनोज, 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है और पहाड़ी क्षेत्र है धर्मशाला, तो ऐसे में जो बड़े संकीर्ण रास्ते होते हैं, खेती भी बहुत एक जैसे कहते हैं पौड़ी की तरह यहाँ खेती की जाती है, तो कैसा माहौल है वहाँ पर किसानों के बीच, खासकर मौसम को लेकर? जी मन, देखिए 48 घंटे का जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया था कि तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, इस तरह से जो अलर्ट जारी किया था विभाग ने, उसी को लेकर के जो है कल देर रात को जो है तेज हवाओं के साथ जो धर्मशाला और जिला भर में जो है वो बारिश हुई थी, तेज हवाएं चल रही थी, तो इतना मतलब लोगों में डर बैठ गया था कि ये कितने की इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही, क्या है इसका कारण, लेकिन उसके बावजूद लोगों में एक डर सा बन गया है कि इन तेज हवाओं से कैसे निपटना है, क्या करना है। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे, क्योंकि रात को जिस तरह से तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, उसी समय बिजली भी चली गई थी और अंधेरे में लोगों को एक डर सा पसर गया था। और जहाँ किसान है, किसानों की फसल जो गेहूं की फसल है वो तबाह होती नजर आ रही है, क्योंकि ये समय जो है ये गेहूं की फसल की कटाई का समय है और इस समय पर बारिश हो जाना फसल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं साथ ही अगर इस फसल की बात की है तो फसल मानो आधे से ज्यादा जो फसल जो है जिला कांगड़ा के किसानों की वो तबाह हो चुकी है और ना तो ये अब किसी काम की रही है और ना ही कोई इसका कोई मुआवजा जो है वो उनको मिल पाएगा। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने बताया कि मुआवजा इस तरह से नहीं मिल पाता है। और मनोज, आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आंधी तूफान के कारण, क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश है, धर्मशाला का जो इलाका है वो पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है, तो क्या कोई इस तरह की अभी तक घटना सामने आई है, कहीं तूफान से पेड़ गिरा हो या किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो? जी मैं देखिए, फिलहाल जो तेज हवाओं की बात की जा रही है कि
तेज हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं से जो है वो अभी तक कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, कोई अभी रास्ता बंद नहीं हुआ है। हालांकि हवाएं जो है वो तेज चल रही हैं, पेड़ झुक जमीन को चूम रहे हैं, जमीन तक झुक रहे हैं पेड़, लेकिन उसके बावजूद कोई भी दुर्घटना या कोई हादसा यहाँ पर नजर नहीं आया है। और सभी लोग यही सलामती चाहते हैं कि इस तरह प्रकार की कोई घटना ना हो, जितना भी तूफान तेज होगा, लेकिन भगवान से यही दुआ कर रहे हैं लोग कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना ये तूफान अपने साथ लेकर आए। जी बिल्कुल, दुआओं का दौर लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से चेतावनी दी गई है 48 घंटे की तेज बारिश और आंधी की, और तो वाकई में दुआएं करना बनता भी है किसानों का। खासकर मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल ना सिर्फ आमजन में बल्कि खासकर के किसानों में बना हुआ है, उनकी फसलों को लेकर, फसल चाहे वो आम की हो, फसल चाहे वो गेहूँ की हो या और कोई भी फसल हो, क्योंकि बहुत नुकसान होता है आंधी तूफान में। और आपको अब सीधा लिए चलते हैं किन्नौर, जहाँ से हमारे संवाददाता विशेषर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशेषर, किन्नौर में किस तरह का हाल है, किस तरह का माहौल जो है इस वक्त लोगों में, किसानों में बना हुआ है? जी, निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है, जबकि उपले इलाके जो दूर दराज के जो अपर किन्नौर है वहां पर मौसम सामान्य है जी, और जो कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है जो जिस हिसाब से मौसम विभाग की ओर से निर्देश जारी हुए थे जी। तो फिलहाल जनजीवन सामान्य है, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, हालात सामान्य है, हालात फिलहाल सामान्य है। लेकिन विशेष अगर बात की जाए, जिस तरह से चेतावनी दी गई है, तो क्या किसानों ने, आमजन ने पहले ही बंदोबस्त किया है कुछ अपनी फसलों को लेकर के या अपने मवेशियों को लेकर के? जी, यहाँ पर हालात पर काबू करना संभव नहीं है। अगर आंधी तूफान चले तो इससे सेब और दूसरे जो नकदी फसल है उनको नुकसान हो सकता था जी। जिस तरह से अगर अब आने वाले समय में भी अगर बर्फबारी होती है तो इसका सीधा असर सेब पर पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के इलाके जो है, दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर फ्लावरिंग सेब की शुरू हो चुकी है, जबकि जो निचले क्षेत्र है या मध्यम ऊंचाई में वहां पर सेब हालांकि फल लगने लग गए हैं जी। तो ये ठंड के कारण इसमें चिलिंग इंजरी होने का खतरा ज्यादा होता है, और बर्फ से जो पेड़ पौधे हैं वो टूटने का भी खतरा रहता है जी। तो फिलहाल ऐसे कोई खास वो नहीं हुआ जी। बिल्कुल विशेषज्ञ, आपने बताया कि सेब की खेती को कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्क पड़ेगा अगर आंधी तूफान आता है, तेज बारिश आती है, तो वाकई में किन्नौर जो है वो सेबों के लिए जाना जाता है। तो अगर देखा जाए विशेषज्ञ, तो जो सेब के जो बागवान हैं, सेब के जो किसान हैं, उनका अभी फिलहाल कैसी तैयारी है? क्योंकि वैसे तो कुदरती आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर बारिश होती है तो कितना नुकसान होने की संभावना है? अगर बारिश ज्यादा होती है तो जो अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो सेब की फसल है, जहां फ्लावरिंग हो रही है जी, उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ठंड अधिक बढ़ जाती है, ठंड होने से जो सेब की फ्लावरिंग है उसको चिलिंग इंजरी, मतलब ठंडक ज्यादा पड़ जाती है, जिससे फूल जो ठंड के कारण जड़ जाता है। और अगर हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें जहां सेब की सेटिंग हो चुकी है, वहां भी ज्यादा बारिश और बर्फबारी हो जाए तो उसका असर रहेगा, तो नुकसान काफी होने की संभावना। वैसे ही इस बारी मौसम जो रहा है, बीच में जब सेब फ्लावरिंग हो रही थी उस दौरान अनुकूल नहीं रहा, इससे कई इलाकों में जो सेब की फसल है उसको काफी नुकसान हुआ है जी। पहले ही कुछ नुकसान हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशेषज्ञ। तो ये थे किन्नौर से हमारे संवाददाता विशेषज्ञ नेकी, जिन्होंने बताया कि अगर तेज आंधी बारिश तूफान आता है तो कहीं ना कहीं जो सेब की फसल है उनको जरूर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि किन्नौर जो है अपने सेब के लिए, सेब की फसल के लिए जाना जाता है।